आज भी यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर सकता है रूस, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी एक बार फिर आज भी यूक्रेन पर रूसी हमले किए जा सकते हैं। कल हमने देखा था किस तरह से, तब जबकि यूक्रेन ने हमला किया एयरबेस पर जो मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर जगह थी वहां, उसके बाद यूक्रेन की तरफ से भी इस तरह के हमले के बाद रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया। 80 मिसाइलें दागी गई यूक्रेन के अलग अलग शहरों में, ये मिसाइलें पहुंची, रूस की तरफ से बड़े हमले किए गए। अब जानकारी ये मिल रही है कि रूस की तरफ से आज फिर बड़ा हमला किया जा सकता है यूक्रेन पर। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आज फिर क्या दहलेगा यूक्रेन। आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेनी आर्म फोर्स के एयर फोर्स कमांड ने किस आधार पर यह दावा किया है उनकी तरफ से, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है। उनका दावा ये है, आज यूक्रेन का आर्म्स फोर्स डे है, रूस का लगा। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लगातार 2 दिन हमले का ट्रेंड रहा है, यानी अगर कल हमला किया है तो आज भी करेगा, अभी तक ऐसा होता रहा है। रूस ने 10 के बाद 11 अक्टूबर को भी बड़ा अटैक किया था, 17 के बाद रूस ने 18 अक्टूबर को भी इस तरह का बड़ा हमला किया था। दूसरे दिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है रूस, और क्या आज भी ऐसा ही होगा? रूसी हमले का ट्रेंड देखते हुए आज भी पूरे यूक्रेन में अलर्ट जारी किया गया है। और हमारे साथ आशीष मौजूद हैं जो यूक्रेन में ही मौजूद हैं। आशीष, ये बड़ा सवाल है, देखिए अभी तक ट्रेंड ये रहा है, जाहिर सी बात है जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन क्योंकि कल जिस तरह का हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है उसके बाद ये आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है कि रूस आज और ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करेगा। यूक्रेन के भीतर किस तरह की चर्चा, किस तरह की खबर? भय का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो एक पैटर्न सा दिखा है, और पैटर्न लोगों में कोई आम या फिर कोई यूक्रेनी मीडिया कोई पैटर्न नहीं ड्रॉ कर रहा है। जब उस पैटर्न पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया जाए स्पोक्समैन ऑफ द एयरफोर्स कमांड, जो यूक्रेन के आर्मी है उसके एयरफोर्स कमांड के स्पोक्सपर्सन यूरी इग्नात ने ये ऑफिशियली कह दिया है कि आज भी हमला हो सकता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि लोगों में डर का माहौल होगा। वो इसलिए प्राइमरीली क्योंकि अगर आप पैटर्न भी देखें, और कल जो अटैक हुआ है वो अब तक जितने अक्टूबर से अटैक हुए हैं, जो मैसिव मिसाइल वेव होती है उसके सब उसमें से अब तक के सबसे बड़े अटैक्स में से एक रहा है, इफ़ नॉट द बिगेस्ट। और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों में यहाँ पर डर भी है। वो डर इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइमरीली तो सिविलियन बिल्डिंग्स पर अटैक नहीं किया जा रहा है अभी तक, एटलीस्ट पैटर्न में। लेकिन हमने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, मैं ऐसी कई जगहों पर जाकर रिपोर्ट करके आ चुका हूं, जो कि सिविलियन बिल्डिंग्स पर अगर आप 100 मिसाइलें मार रहे हैं एक बार में, तो उसमें से कुछ मिसाइलें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लग रही हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन सिविलियन जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ रोड्स हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस पर भी इस तरह के अटैक हो रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोग किस तरह से अपने आप को बचा के रखें। कल रात को 11:30 बजे के आसपास भी अचानक से यहाँ पर खारकीव में, जब मैं था 2 घंटे पहले तक, मैं खारकीव से केपिंसी की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कल अटैक हुआ है, वहाँ खारकीव में भी अचानक से एयर अलर्ट का सायरन बजा दिया गया और लोगों को अचानक से निकलना पड़ा तुरंत अपने घरों से बाहर और बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ा, जो भी नज़दीकी बॉम्ब शेल्टर थे। ऐसे में लोगों में यहाँ पर बहुत ही वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लेकिन मैं आपको एक पैटर्न के बाद ये ज़रूर बता दूँ कि लोगों को भी पता है, सरकार को भी पता है, आर्मी को भी पता है, और हम सबको पता है कि अगले 3 महीने अगर उन्होंने निकाल लिए किसी तरह से, तो फिर ये इनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो मोरल डिफीट होगा रशियन आर्मी के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्हें कम से कम अगले 9 से 10 महीने तो लड़ने पड़ेंगे ही, और यूक्रेनियंस ने समय निकाल लिया इंपॉर्टेंट वाला। जी हाँ, और यूक्रेनियंस यही चाहते हैं कि वो लगातार मैदान में डटे रहे, उनका हौसला कम नहीं हो रहा है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।